लास्ट लेक्चर में। अरे इतने कम लोग क्यों आए? लास्ट लेक्चर में हम लोग ये देखा था ना, सो वी हैव सीन समथिंग। दिस वी हैव सीन। ओके तो देखो, लास्ट लेक्चर में क्या था कि हमने एक मैक्रो डिफाइन किया था। इसको मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होगा कि जो भी ये टेक्स्ट मैं लिख दूंगा ना, इसके सामने जो भी नंबर लिख दूंगा या अदरवाइज नंबर, वो एवरी टाइम जब मैं प्रोग्राम में ये वर्ड लिखूंगा, वहां वहां ये फोर्सेस को रिप्लेस कर देगा। ये चारों जगह पे एट ए वन शॉट ये रिप्लेस कर देगा इसे। ओके ओके सो हमने एरे लिया और उस एरे को में इनपुट लिया। इनपुट लेना भी बहुत सिंपल है। एरे का जो वेरिएबल होता है ए ऑफ आई, के थ्रू हम उसमें इनपुट ले लिया, कुछ कैलकुलेशन किया, यानी इंडिविजुअल हर एरे के एलिमेंट को ऐड किया था और फिर मैंने उसे हमने उसे प्रिंट कर दिया था। सो दिस वाज द फर्स्ट इंट्यूशन। नाउ व्हाट वी विल डू टुडे, वी लर्न हाउ टू डू द सेम थिंग यूजिंग फंक्शन। मुझे करना क्या है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव है आज का कि मैं ये चीजों को यहाँ नया ना लिखूं बार बार। मुझे अगर कोई एरे, सपोज यहाँ मुझे एक और एरे लेना पड़ेगा, सपोज आई एम टेकिंग बी ऑफ सेम साइज, ठीक है, एक और एरे लिया। अभी मुझे इसमें भी एलिमेंट्स लेने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ बी लिखना पड़ेगा, है ना। या नहीं तो एक और ऑप्शन है, यहीं पे मैं एक और स्कैन फंक्शन लिख लूं और एक ही साथ यूजर को बोलूं कि दोनों की वैल्यू देता चले, जो कि रिलेवेंट नहीं है ना। तो ये दिस इज नॉट ओके। तो वी शुड व्हाट आई शुड डू कि इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड आई शुड राइट ए फंक्शन एंड दैट फंक्शन इनपुट अरे, ठीक है, फंक्शन। अभी इसमें अंदर में क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन इसकी लॉजिक वी नो कि लॉजिक यही होगा, ठीक है, वी नो कि इसका लॉजिक क्या होगा। ओके तो दिस इज, अब ये क्या रिटर्न करेगा, नहीं रिटर्न करेगा बाद की बात है। कुछ वैल्यूज इसमें देनी होगी, जैसे कि क्या देना होगा, इसको साइज बताना होगा, तो दैट वी शुड टेक इन एन एन। यहाँ से हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, इनपुट जब जब लेना होगा वी विल से इनपुट एरे, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पास करना होगा, एरे पास करेंगे और एरे का साइज पास करेंगे, ठीक है, वी विल पास समथिंग एंड दैट वी कैन आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट। तो साइज हम लोग पास कर सकते हैं अगर ए की साइज और बी की साइज सेम है, अदरवाइज अगर मैं इस साइज को हटा दूं यहाँ से, क्योंकि अब जब हमारा फंक्शन बन जाएगा तो इसकी जरूरत होगी नहीं, सो वी शुड से दिस इज इक्वल टू 5। दो अलग अलग साइज के मेरे पास है 4, ठीक है, और दोनों ही का साइज रखने के लिए वी शुड से ए एन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 5 एंड n of b is equal to 4। तो दिस वी शुड राइट, और यहाँ पे हम लोग a का साइज पास कर देंगे, तो ये पहला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और सिमिलरली इसी को अगर मैं b का साइज और b एरे को पास कर दूं तो b कॉल हो जाएगा। अभी देखो दोनों एरे का साइज अलग अलग है लेकिन एक ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ के फंक्शन कॉल करते समय मैं क्या भेजता हूँ, एक इंटीजर वैल्यू भेज रहा हूँ और एक एरे भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक इंटीजर तो ले लिया सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में मुझे एक एरे को लेना है, ठीक। तो जहां जहां उसका यूजेस था वहां मैं इसको एंड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आई यूज हो रहा है तो मैं इसको एक आई को डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या?
मैक्रो लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फोर भी लिख सकता है, डिफाइन साइज फोर लिख के एक एक्स्ट्रा लाइन के से। रिजवान कल बताया था मैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ फोर, ठीक है। मान लिया सपोज कि मैं यहाँ लिख दिया हार्डली, हार्ड कोड कर दिया फोर, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने फाइव, फोर लिख दिया। ये किसके लिए काम करेगा? ये बस इसके लिए काम करेगा। लेकिन द मोमेंट तुमको एरे का साइज बढ़ाना होगा, तुमको कोड में हार्ड जगह पे जाके फोर को फाइव करना सर होगा। आपकी वॉइस कट हो रही है। हाँ अभी यार इसमें देखो, ये वाले प्रोग्राम में देखो, अगर मेरा अभी पे एरे का साइज मैं नहीं डालता हूँ, सपोज मैं ले लिया फोर, ठीक है, ये मैक्रो को मैंने हटा दिया, तो मुझे जितनी जगह पे एरे साइज की जरूरत है ना, सब जगह पे जाके तो फोर को पहली बात तो लिखना पड़ेगा। तो चलो एक बारी मैंने लिख दिया, सडनली तुम्हारा प्रोग्राम में तुमको क्या जरूरत पड़ा कि अरे नहीं, मुझे एरे का साइज बड़ा करना है, तो मैं 10 लिखा। अभी 10 लिखा ना, तो हर जगह जाके इसको 10, यहाँ भी जाके 10, यहाँ भी जाके 10 करना पड़ेगा। अब तो तीन ही जगह यूज किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम से 50-60 टाइम्स यूज होता है। तो बेटर वे क्या होता है इस टाइप के यूजेस के लिए, कि यहाँ एक ही बारी हमारा साइज लिखा। अगर मुझे इसको अभी 10 कर दूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली सब जगह पे 10 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है ना, आप ठीक है? तो यही कारण होता है जिसके कारण हम लोग ऐसा आपकी कर, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, सबको ब्रेक हो रहा है वॉइस कैमरा। यस सर। ओके, अरे एक्चुअली अपलोड कर रहा हूँ मैं तुम लोग का लेक्चर वीडियो। देना अभी आ रहे हैं ना ठीक से? नहीं आ रही हो तो मुझे रोक देना, ठीक है, नहीं पढ़ाऊंगा वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे वॉइस ब्रेक करके नहीं पढ़ाना मुझे। ओके, आई होप कि अभी आवाज चलो अभी आ रही है ना आवाज? यस सर। तो ये कारण था हमारा मैक्रो यूज करने का, मैक्रो समझ गया। हम आते हैं कि एरे के काम को हम लोग फंक्शन में कैसे यूज करेंगे, मतलब एरे को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। तो मेरा काम है कि इनपुट लेना एरे का, मल्टीपल एरे है, हर एरे का अलग अलग साइज है, तो मैं क्या करता हूँ एरे दे दूं और एरे का साइज दे देता हूँ। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मुझे एक एरे रिटर्न करके वापस से दे दे, ठीक। तो सी देर आर थ्री डिफरेंट वेज कि यहाँ पे कैसे आर्गुमेंट एक्सेप्ट होगा, ठीक है, यहाँ पास कैसे करेंगे ये तो ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट कैसे करेंगे इसके तीन अलग अलग तरीके हैं। देखो पहला तरीका है ये कि पॉइंटर से आप एक्सेप्ट करो। दूसरा तरीका है जिस साइज का एरे पास कर रहे हो सेम साइज का एक एरे नीचे डिक्लेयर कर दो। और तीसरा तरीका है कि
विदाउट गिविंग एनी साइज. वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है. एंड द थर्ड, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. अभी आएगी. एंड द थर्ड मेथड इज कि विदाउट डिक्लेयरिंग साइज यू शुड डिक्लेयर एन एरे. अभी देखो ये वाला पार्ट ऐसा क्यों लिखा है, मैं तुम्हें याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसा होता क्यों है. देखो इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है, होता ही है एक्चुअली कि जब कभी भी हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो वी आर सेइंग इंट ए ऑफ 5 इक्वल टू 12596. हम लोग ऐसा भी डिक्लेयर करते हैं, ये भी वैलिड है, 12393. ठीक है, सो दिस इज बोथ आर करेक्ट. इनकरेक्ट क्या था इस सेंस में कि बस डिक्लेरेशन करना है तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट. बस डिक्लेरेशन करना, लेकिन अगर डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट साथ साथ हो रहा है तो दिस विल वर्क, दिस इज ओके. अभी देखो जब कभी भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं तो सपोज मेरे पास ये एक एरे डिफाइंड है, सपोज ये मेन फंक्शन है हमारा, मेन में सपोज मेरा एरे डिफाइंड है और दूसरा कोई फंक्शन है जिसमें मैं इसको यूज कर रहा हूं. तो देखो जनरली क्या होता है, जब कभी भी मेरे मेन में मैं तो सपोज सम फंक्शन में ए और बी पास करते हैं हम लोग, तो होता क्या है, सम में इसके ही जैसा एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स और सेम इसके जैसा एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट वाई, है ना, जितना कैपेसिटी इसका है उसी कैपेसिटी का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. इंटरनली क्या होता है, यहाँ पे इंटरनली ये होता है कि वी आर पासिंग दिस एंड दिस इज कैचिंग द सेम. इट मीन्स यहां हो क्या रहा है, इंट x इक्वल टू ए इंट y इक्वल टू बी, ये हो रहा है इंटरनली, समझ रहे हो. तो अगर हम एरे के टर्मिनोलॉजी में आते हैं तो मेरे पास मेन में कैसा डिफाइंड है, इंट a डिफाइन किया गया है सपोज 59326. ठीक है, और हम इसको पास कर रहे हैं एक एरे में, सपोज इनपुट एरे कोई भी फंक्शन है उसमें मैं इसे पास कर रहा हूँ ए को और इसका साइज पास कर रहा हूँ सपोज 5. ठीक, तो जो भी मेरा इनपुट फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो इसको कैच करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा सपोज एन, ये इंटीजर है तो इंटीजर कैच करने के लिए, और ये क्या है एरे है तो एरे को रखने के लिए एरे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो वी कुड डिक्लेयर ए वेरिएबल एक्स. अब इंटरनली क्या होगा, वही सेम चीज होगी, इंट एक्स इक्वल टू ए और इंट एन इक्वल टू 5, है ना. देखो यहां पे तुम साइज भी दे सकते थे सपोज 5, सपोज 5 तो ये तो डिसेंट था, बहुत अच्छे से काम करेगा. साइज नहीं भी देंगे वो इसलिए काम करे क्योंकि इस मोमेंट पे जब ये डिक्लेयर हो रहा है उसी टाइम पे इनिशियलाइज भी हो रहा है ना. दिस इज नथिंग बट इंट एक्स इक्वल टू 59326. जिस मोमेंट में डिक्लेयर हो रहा है उसी मोमेंट में इनिशियलाइज हो रहा है, तो बिना इसके भी हम लोग काम चला सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इनपुट इंट एक्स और इंट एन, यानी जब कोई भी हमें एरे हम पास कर रहे हैं तो उस एरे को कैच करने के लिए एक बात तो पक्का है कि एरे ही क्रिएट करना पड़ेगा. अब एरे क्रिएट करने के समय हम उसमें वैल्यू साइज दे सकते हैं नहीं दे सकते, दोनों ही काम कर सकते हैं. एक और मेथड इसमें क्या होता है कि इनपुट हम एक एरे ले ले, एक पॉइंटर ले लेते हैं पी, पॉइंटर लेने से क्या होता है, देखो हम जब ऊपर में
हमारा एरे जो था, जब हमारा मेन फंक्शन था, मेन में हमारा इंट ए थ्री में 3, 2, 1 रखा था और हमने फंक्शन कॉल किया इनपुट ए और इसका साइज पास किया, ठीक। तो ये इस फंक्शन को कॉल किया। अब देखो हमने बार बार कहा है, याद रखना है कि दिस ए इज नथिंग बट दिस 3, 2, 1, 0, 1, 2 यानी ए ऑफ 0 इक्वल टू 3, ए ऑफ 1 इक्वल टू 2, ए ऑफ 2 इक्वल टू 1 और array name is a pointer, pointer to whom? To the first element, है ना? तो इसको हम as a pointer भी treat कर सकते हैं। तो point हम बोलेंगे कि हम यहाँ से pointer भेज रहे हैं, यानी कि a क्या contain करता था? Last class में भी हम लोग देखे, a was containing address, तो इसको एक pointer भी catch कर सकता है। क्यों? क्योंकि actually a कुछ नहीं, a एक address contain कर रहा है as a name, तो ये a का जो address है वो यहाँ पे किस में चला जाएगा? p में चला जाएगा, 1010। Now जिसको a point कर रहा है उसी को p भी point कर रहा है, same address को, है ना? तो जो काम हम a के through कर सकते हैं वही काम हम p के through भी कर सकते हैं, यही एक flexibility हमारे pointer से आता है। हम इसको भी देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग एक normal function use करते हैं, ये normal जो हमारा प्रोसीजर है इसको यूज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ इंट ए, सर कैन यू रिपीट इट अगेन व्हाई वी कैन पास इंट, पास नहीं कर रहा एक्सेप्ट कर रहा, ध्यान रखो यहाँ पास तो ए कर रहे हैं और जहां आर्गुमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, बच्चे ये दोनों सिंटैक्स सही है ना? मतलब बिना साइज का अगर एरे क्रिएट कर रहे हो तो उसको उसी लाइन में इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर इनिशियलाइज कर सकते हो तो ये क्रिएट करना वैलिड है, अगर नहीं कर सकते हो उस लाइन में इनिशियलाइज तो ये क्रिएट करना वैलिड नहीं है। पहली बात, अगर फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो फंक्शन में यहाँ जब भी आर्गुमेंट हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये इसी लाइन में इनिशियलाइज होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉल, ये वैल्यू कहाँ किसमें ड्रॉप होती है? इसमें ड्रॉप होती है, यानी जब ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब ये कॉल होगा तो ये रन करेगा, जब ये कॉल होगा तो ये वैल्यू इसमें पास होगी। तो यहाँ पे आप साइज ले, साइज दे भी सकते हो या नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि सेम लाइन में ये वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है और इनिशियलाइज भी हो रहा है, दिस इज द रीजन। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया, देयर इज नॉट एन ऑफेंस, और मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी चेंज कर रहा होगा। अब ये क्यों होता है दैट वी विल सी लेटर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ये। तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। क्या एरर दे रहा है कि आई हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। ओके, आई डिक्लेयर कर दिया, इट्स रनिंग फाइन, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 ये दोनों ही एरे के लिए ले रहा है, ठीक है। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंटफ, स्लैश एन इनपुट the elements of first array, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। और similarly इस स्टेटमेंट को कॉपी करके of second array, ठीक है, that we can also write। अभी मुझे कैलकुलेशन क्या करना है ये डिफरेंट मैटर है, मुझे और दैट वी नीड टू, अभी ये जो प्रिंटिंग फंक्शन है ना एरे को प्रिंट करना, इसको भी मैं फंक्शन में बना लेता हूँ। वी शुड से वॉइड प्रिंट एरे, ठीक है,
लॉजिक तो इसमें सेम जाएगा, और मुझे चाहिए क्या क्या, एक एरे चाहिए जिसको प्रिंट करना है और उसका साइज चाहिए। ठीक है, चलिए वी कैन रिप्लेस इट बाय साइज एंड दैट्स इट। इंट आई सेम काम, और जब जब मुझे जरूरत होगी प्रिंट करने के लिए, सो वी विल वी कैन कॉल सपोर्ट, वी कैन कॉल प्रिंट एरे, और इसमें हम लोग पास कर देंगे जो भी एरे प्रिंट करना ए और इसका साइज। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन, कितना मॉड्यूलर हो गया हमारा प्रोग्राम। देखो जो भी एटसेट्रा वर्क है उसको हम बाहर रखते हैं। नाउ इनपुट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे सपोज 1 12 34 23 4 3 2। ठीक है, पहला एरे इंप्लीमेंट एंटर कर दिया, दूसरा एरे एंटर कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये फर्स्ट एरे जो था ना, हमने ए को प्रिंट किया है इसलिए ए प्रिंट हो रहा है। अगर तुम यहाँ बी को भी प्रिंट कर दोगे दोनों ही आ रहे प्रिंट हो जाएगा, विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। बस उसमें तुम वैल्यूज चेंज कर लो, इंटेंशन बस यही था कि ये बताना कि एरे को पास कैसे करते हैं। चलो ठीक है, सो जस्ट रन इट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। थोड़ा सा साइज में ना छोटा कर लेता हूँ, यहाँ मैं एन लिख लेता हूँ, एन बी लिख लेता हूँ, और एन ए इक्वल टू टू, एन बी इक्वल टू थ्री, एंड देन थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स। ये तो पहला एरे था, ये दूसरा एरे था, एंटर किया और ये पहला एरे प्रिंट हुआ, ये दूसरा एरे प्रिंट, दिस इज इट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अभी मैं क्या करूंगा ना, इस दो एरे को एड करके तीसरे एरे में रखना है मुझे, मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो एरे एडिशन के लिए पहला रूल क्या है कि साइज ऑफ बोथ द एरे मस्ट बी सेम, जिस दोनों को ऐड करना है तुम्हें। और ऐड करने की प्रोसीजर क्या होगी, अगर हमारा कोई एक एरे है साइज थ्री का सपोज में है 5 6 7, और दूसरा एरे है सेम साइज का, सेम साइज का होना जरूरी पड़ेगा 1 2 3, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं थर्ड एरे में। एरे एडिशन कैसे होता है, इस दोनों को ऐड करो और यहाँ रखो, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखो, तो 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, एंड 7 + 3 = 10, यही काम मुझे करना। तो 0 1 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ जनरली, ये c ऑफ जीरो है, c ऑफ जीरो क्या है, a ऑफ जीरो प्लस b ऑफ जीरो, ये c ऑफ वन है, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट a ऑफ वन प्लस b ऑफ वन, एंड दिस इज नथिंग बट c ऑफ टू, एंड दैट इज a ऑफ टू प्लस b ऑफ टू। पैटर्न दिख रहा है मुझे, तो मैं आई कैन राइट फॉर i इक्वल टू जीरो I is less than equal to 2, जो भी इसका less than size, जो भी इसका size है, I equal to I plus 1, ठीक? C of I equal to A of I plus B of I, as it is, है ना? और ये पूरा पूरा काम कर देगा, बहुत ही सिंपल है ये। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, एडिंग टू एरे, एडिंग टू एरे फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन जो भी मेरा साइज हो, आई प्लस इक्वल टू आई प्लस वन। टी को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पहले, है ना,
ये अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया है, वी शुड ऑल्सो डिफाइन सी। सी किस साइज का होना चाहिए, सबका साइज अभी तो बराबर होना चाहिए इस प्रोग्राम में, ठीक है। फिर भी मैं एक एन सी भी ले लेता हूँ, दैट इज अगेन इक्वल टू सेम साइज, उसका भी साइज वही होना चाहिए। सो दिस इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, हो गया मेरा काम खत्म। अभी मुझे ए बी तो प्रिंट कर ही देता हूँ, I will also print C. चैट में आ रहा है क्या क्वेश्चन? Kindly upload this lecture on Google Classroom. हाँ, अपलोड कर दूंगा चिराग एंड ऑल, ठीक है। सो देखो एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, 1, 2, 3, दूसरे में 4, 5, 6। पहला एरे है तुम्हारा 1, 2, 3, दूसरा एरे दिस, थर्ड एरे सी। 4+1, 4+1 5, 5+2 7, 6+3 9। That's simple as, इससे आसान कुछ भी नहीं। You should use this way right now to utilize the array programs. तो मैंने array addition करके दिखा दिया है, and now you people have to work on array multiplication. थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन you people can achieve. करके देखो क्या होता है. If you will find difficulty, नहीं array multiplication अभी आप लोग मत करो क्योंकि वो two dimensional जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे. अभी हम लोग तो एरे पे ही, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल आर डिफरेंट थिंग। सो दिस इज सिंपल ऑपरेशन विद एरे। अगर आप एरे के सपोज चाहते हो कि मेरा कि इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, यानी 5, 6, 7 है, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दें, जो भी नंबर्स उसको डबल करना चाहता हूं, तो आप उसको कुछ भी मत करो, a of i मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे मैं अगर मैं चाहता हूँ कि एडिशन करके जो c की वैल्यू आई, ठीक है, अब मैं उसको डबल कर दूं, तो देन यू कैन अगेन राइट अ लूप, अ फॉर लूप, और विद इन दिस आल्सो यू कैन आल्सो से c ऑफ i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखते हैं काम करता है कि नहीं, C of I. So, one, two, three, four, five, six. Okay. So 4+1 is 5. 5 2s are 10. 5+2 is 7. Plus multiplied by 2 is 14. 9 multiplied by 2 is 18. So, though एरे को जोड़ के एक एरे ला सकते हैं, किसी एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स में हम 2 मल्टीप्लाई कोई स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। आई विल पुट एन असाइनमेंट ऑन दिस एंड लेट अस सॉल्व दिस, ठीक है। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। समझ में आ गया तो हर कोई यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, है ना। मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हाँ मैं इसलिए बैठा हूँ कि तुम लोग सीख जाओ ना? मुझे लेक्चर्स खत्म करने होते तो मैं कब का खत्म कर दिया रहता, ठीक है। आई रियली वॉन्ट कि यू पीपल शुड लर्न। अभय इज यस, रिजवान इज यस, कृतिका यस, गुड थैंक यू। और बाकी अर्जुन, अर्जुन, अश्विन, चिराग, प्रणव सर, एनबीएनसी लिखे तो, एनबीएनसी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत, वो बस मैंने ऐसे ही वेरिएबल लिख लिया, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो रहा।
हाँ बोलो अश्विन सर वो भाई। टाइप नहीं हो रहा है, आप मतलब ऐसा बता रहे हैं कि आप मीटिंग में नहीं हो। टाइप नहीं हो रहा सब, कोई नहीं मानव समझ में आ गया। ये कोई ऐसा नहीं है इंटेंशनली मैंने लिखा है, इसको लिखने से कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो, लेकिन यहाँ वैल्यू लिखोगे ना 3, तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ अगर इसको तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए 3 लिख देता हूँ, सो दैट वी कुड ऑल्सो राइट है 3। ठीक है, अब एनए नाम का चीज नहीं है ना मेरे पास, तो वी शुड राइट 3 हियर ऑल्सो। तो बहुत जगह जाके चेंजेस करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कन्वीनियंट कोडिंग के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। प्रखर इज यस, हुसैन इज यस, समा यस, अर्जुन यस, अरिहंत यस, ओके, मानव बोला ठीक है सर, स्वप्निल नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम स्वप्निल सर, आई हैव टू सी द रिकॉर्डिंग टू गेट मोर क्लियर। ठीक है, कोई नहीं, और अगर डाउट, इसको क्या करो ना, इस प्रोग्राम को खुद से बनाओ हुसैन, ठीक है, और अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर से डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, बट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है मेरा, प्रैक्टिस होगा। हाँ प्रैक्टिस करना है अर्जुन, गुड। आप लोग ना जो भी प्रोग्रामिंग मैं कराता हूँ उसको प्रैक्टिस करो, मैं हम लोग इसको देखेंगे, टाइम पास नहीं करना है, पूरा सीखना है अच्छे से। मैं बता रहा हूँ ना, सी प्रोग्रामिंग बस अच्छे से सीख जाओ, आई कैन एश्योर यू कि बाकी जितनी सारी भी प्रोग्रामिंग है आपके लिए 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं लेगी। अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मैंने 1 लाइन भी कोड लिखता हूँ मैं, आप समझ जा रहे हो ना, मैं शेयर कर दूंगा अरिहंत प्रोग्रामिंग, आप समझ जा रहे हो ना जावास्क्रिप्ट में, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में पूरा लिखता हूँ। अभी इस प्रोग्रामिंग लिखने के बाद आपको कोई प्रोग्रामिंग में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रोग्रामिंग को पढ़ो और आपको सब कुछ समझ में आएगा। कुछ चीजें होंगी जो वेरी करेंगी, इसलिए तो वो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस वही लर्न करना है। इसलिए सी को बहुत अच्छे से सीखिए, जितना अच्छा सी होगा उतना बेहतर, बाकी सारा प्रोग्रामिंग पेपर्स होगा, इतने ज्यादा यूटिलाइजेशन आप तो नेटवर्किंग पेपर्स का कर सकोगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कोर्स है आपका ये इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है। इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स में जब भी आप तो सेकेंड ईयर में जाओगे ना, तो बहुत हेवी पेपर्स आ जाएंगे एक साथ में, तो वो हैंडल करना इज नॉट इजी, हमें तो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स देखना है ना, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि सी में बहुत मेहनत कीजिए। अभी इस सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेस है ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर मेहनत करने का टाइम अगर किसी कोर्स में लगाना है तो दैट इज देखो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है जो I was also following when I was in my bachelor degree, कि एक सेमेस्टर में तुम्हारे पास कितने सेमेस्टर हैं? 6 सेमेस्टर है टोटल। हर सेमेस्टर में एक ऐसा पेपर रखो जो कि तुम्हारा सुपीरियर हो, फिल्टर करो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर इस सेमेस्टर में कौन सा है। द मोमेंट यू नो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, उस पेपर को द बेस्ट बनाओ, बाकी 5 पेपर को ठीक ठाक रखना है, लेकिन एक पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें यू नो एक्सट्रीम, यू आर एक्सट्रीमली वेल। अगर 6 सेमेस्टर में तुम 6 ऐसे पेपर तैयार कर लेते हो, आई कैन एश्योर यू जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपको वो बोलेगा कि कोई 2 पेपर का नाम बताओ जिसमें से मैं तुम्हें पूछू, है ना, इस टाइप के होते हैं हार्डली, और वहां आपके पास 6 पेपर की होल्डिंग होगी। जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं उनका क्या होता है कि अभी लाइटली ले लिया, अभी 6 सब्जेक्ट में बराबर एफर्ट लगा दिया, अभी इस सेमेस्टर खत्म होते होते उसका एक भी पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाता, और यही सेम चीज उसे 6 सेमेस्टर के बाद भी होती है। 6 सेमेस्टर में उसने सारे पेपर्स पढ़ लिए और वो सारे पेपर में उसको ठीक ठाक नॉलेज है, लेकिन कोई भी पेपर उसका बेस्ट नहीं। तो जब 6 साल 3 साल खत्म हो जाता है, या जो 4 साल वाले कोर्स होते हैं, 4 साल खत्म हो जाता है, तो बच्चा परेशान हो जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि कौन सा पेपर पकड़े कौन सा छोड़े, अब उसके पास टाइम नहीं होता उस टाइम, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो पर सेमेस्टर फिगर आउट 1 पेपर एटलीस्ट,
एटमोस्ट भी नहीं बोल रहा, मैं एक ही पेपर बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ दो करो ना कम करो, मात्र एक ऐसा पेपर उठाओ जिसमें तुम बेस्ट हो सको सेमेस्टर के खत्म होते होते। मतलब उसमें जो एक्सट्रीम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते होंगे, जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनमें जो कैपेबिलिटीज होगी उस लेवल पे अपने आप को तैयार कीजिए। ठीक है, मैं इस कोर्स में आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ बाय मीन्स ऑफ ओलंपियाड एंड प्रोग्रामिंग साइट्स। जब हम लोग एक राउंड पढ़ लेंगे ना दिसंबर तक, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोगों का प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट 70% हो जाएगा। 70% होने के बाद, दिसंबर के बाद हम लोग बस हार्ड प्रोग्रामिंग करनी है, टफ प्रोग्राम को सॉल्व करना और कुछ नया नहीं करना। ठीक है, इट्स ओके, we will learn rest of the things in next lecture. I will upload lecture and programming in your classroom. Thank you. जिसने भी नाम एंटर नहीं किया है एंटर कर लो, otherwise attendance miss होगा, I will not be responsible. सर हाँ बोलो सर, जो आपने असाइनमेंट दिया है वेब टेक्नोलॉजी का,